1553 में आज के दिन 15 वर्षीय लेडी जेन ग्रे को 9 दिनों बाद इंग्लैंड की महारानी के रूप में अपदस्थ किया गया। 1763 में आज के दिन बंगाल के नवाब मीर कासिम को कटवा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह पराजित किया। 1827 में आज के दिन भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। आज के दिन 1881 में जर्मनी के नोबल पुरस्कार प्राप्त विख्यात रसायन शास्त्री हरमैन एश्टेडिंगर का जन्म हुआ था। 1893 में आज के दिन रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार व्लादिमीर मायकोवस्की का जन्म हुआ था। साल 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली। 1926 में आज के दिन फ्रांस में एडवर्ड हैरियोट के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी थी। 1938 में आज के दिन भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत कार्लिकर का जन्म हुआ था। जयंत विष्णु कार्लिकर ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर व्यवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेड होयल के साथ भौतिकी होयल कार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। अपने जीवन के सफर में कार्लिकर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख है स्मिथ पुरस्कार, पद्म भूषण, एडम्स पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। 1941 में आज के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वी फॉर विक्ट्री अभियान शुरू किया था। आज के दिन 1961 में पहली बार विमान में फिल्म दिखाई गई। 1963 में आज के दिन जॉय वॉकर विमान के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1965 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति सिगमन री का निर्वासन के दौरान निधन हो गया। 1967 में आज के दिन अमेरिका ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए एक्सप्लोरर 35 लॉन्च किया था। 1969 में आज के दिन भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 1974 में आज के दिन भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियां लंदन से नई दिल्ली लाई गई। 1779 में आज के दिन निकारगुआ में जनक्रांति सफल हुई थी। साल 2003 में आज के दिन रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थांग को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने।